बलिया में अपात्र कार्ड धारकों के खिलाफ जिला आपूर्ति विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। शासन के निर्देश पर अपात्र कार्ड धारकों के खिलाफ सत्यापन की कार्रवाई करते हुए लगभग 2000 पात्र गृहस्थियों की और 42 अंत्योदय के अपात्र कार्ड धारकों का राशन कार्ड निरस्त किया जा चुका है और लगभग 3400 जरूरतमंदों का कार्ड बनाया जा चुका है। इसके साथ ऐसे लगभग 12000 कार्ड धारकों पर विभाग की कड़ी नजर है जिन्होंने कार्ड बनने के बाद पिछले 5 माह से राशन नहीं उठाया है, जिनका सत्यापन कर कार्रवाई करने में जुटा है। जनपद में हमारे शासन के निर्देश के क्रम में जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के अंतर्गत जो भी राशन कार्ड बनाए गए हैं अंत्योदय या पात्र गृहस्थी के, उसके समय समय पे सत्यापन किए जाने का प्राविधान है कि वार्षिक रूप से एक सत्यापन हो। उसी के क्रम में हमारा नवंबर माह से ये सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। अब तक हमारे जनपद में कुल 2000 पात्र गृहस्थी के और 42 अंत्योदय राशन कार्ड अपात्र लोगों का सत्यापन करके उनको निरस्त किया जा चुका है। साथ ही ऐसे वास्तविक पात्र लाभार्थी जो अभी तक किसी कारणवश छूटे थे अथवा राशन कार्ड उनका नहीं जारी था, उनको उसमें हम लोग लगभग 3400 राशन कार्ड लोगों को ऐसे राशन कार्ड बना भी चुके हैं जी। ऐसे भी देखिए, एक हम लोग अपना रिजर्व रिपोर्ट निकालते हैं कि ऐसे कार्ड धारक जो हमारे जनपद में राशन कार्ड तो बनवाए हैं लेकिन वो पूरे देश में पोर्टेबिलिटी से भी और हमारे जनपद में भी कहीं भी राशन वो नहीं उठा रहे थे पिछले 5 महीनों से। तो निःशुल्क भी हमारा खाद्यान्न है तब भी वो नहीं ले रहे थे। तो ऐसे में ऐसे लोगों पर हमने विशेष फोकस किया और ऐसे लोगों की लिस्ट हमने गांव-गांव सचिव के वीडियो के माध्यम से दिया, इनकी सत्यापन मैं करा रहा हूँ। तो ऐसे कुल 12000 से अधिक कार्ड धारक हैं मेरे जो हमारे पिछले 5 महीने से नहीं ले रहे थे, तो उनकी सत्यापन हमारी कराई जा रही है। अच्छी रिपोर्ट है और अतिशीघ्र हम लोग 1 सप्ताह के अंदर इस पर भी काम कर लेंगे, रिपोर्ट आ जाएगी। तो इनको भी हम लोग जो अपात्र हैं और जिनको आवश्यकता नहीं है राशन की, उनको हम लोग बाहर करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।